नमस्कार दोस्तों, मेरे पास मेरे राजनीतिक वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने सबके बारे में बता दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक नंबर वाली लोकसभा सीट, यानी कि जिसका लोकसभा सीट नंबर एक है, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। सहारनपुर, जी हाँ, सहारनपुर लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और इस सीट को बीजेपी ने 16 साल के बाद 2014 में जीता। राघव लखनपाल शर्मा जो वर्तमान सांसद हैं, 3 बार विधायक भी रहे हैं, वो सांसद हैं और उनकी राजनीति को लेकर तरह तरह की अटकलें इस समय राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका टिकट कटने जा रहा है। उनके बारे में भाजपा के जो संगठन के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि इनका टिकट कटना चाहिए साहब। पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो फाइंडिंग्स मैंने निकाली इस बारे में, तो उनसे निकल कर आया कि राघव लखनपाल अपने क्षेत्र में उतने एक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि और सांसद एक्टिव हैं, उनकी इमेज कुछ उस तरह की है जैसी पड़ोस की सीट बिजनौर के सांसद भारतेंद्र सिंह की है। उनके बारे में पार्टी में भी विरोध है, आम जनता में भी विरोध है और पॉलिटिकली भी वो कमजोर नजर आते हैं। इस लोकसभा सीट के बारे में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2014 में एक बहुत कांटे के मुकाबले में राघव जीते थे। उनके सामने इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर के बड़े मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने कड़ी टक्कर पेश की थी और लगभग 65,000 के अंतर से ही राघव जीत पाए थे, जबकि उनकी बगल की सीट से संजीव बालियान 4 लाख वोटों से जीते थे। इमरान मसूद के साथ एक ड्रॉबैक ये हो गया था कि उन्हीं के परिवार के एक सदस्य, उनके रिश्तेदार शाहजान मसूद जो है, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे और लगभग 50-55 हज़ार वोट उन्होंने काट दी थी। लेकिन हो सकता है तो इमरान मसूद उस चुनाव को जीत भी जाते अगर ऐसा ना हुआ होता। इसके अलावा पिछली बार गठबंधन नहीं था तो बसपा प्रत्याशी भी अलग से थे और जगदीश राणा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने लगभग 2,35,000 वोट लेकर काफ़ी बड़ा अंतर क्रिएट कर दिया था और इमरान मसूद की हार के लिए ये भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। तो इस मामले में इस बार कुछ माहौल ऐसा बन रहा है कि गठबंधन की बात चल रही है, सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है तो एक प्रत्याशी तो इससे आएगा ही और कांग्रेस की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इमरान मसूद या तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या फिर हो सकता है कि वो गठबंधन के प्रत्याशी बने, ऐसा कुछ अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इमरान ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। इमरान के बारे में बताऊं, इमरान की सबसे ख़ास बात यह है कि 2 साल पहले जो सड़क दूधली वाला हिंसा का मामला वहाँ पर हुआ था, उसमें राघव लखनपाल शर्मा खुद दोषी थे। राघव लखनपाल शर्मा ने जबरन अंबेडकर की शोभा यात्रा निकलवाई थी और उसके बाद वहाँ हिंसा हुई थी। इस तरह का प्रकरण हो गया था कि राघव लखनपाल शर्मा, उनके समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी का आवास तक घेर लिया था और राघव लखनपाल शर्मा और कुछ भाजपा विधायकों के खिलाफ केस तक दर्ज हो गया था। इस प्रकरण से राघव लखनपाल शर्मा की इमेज काफ़ी डैमेज हुई। पार्टी को अभी मानना था कि पार्टी के सांसद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपकी ही भूमिका अगर इस तरह की रहेगी तो कैसे बात बन पाएगी। तो यही वजह है कि राघव लखनपाल शर्मा का नंबर थोड़ा डाउन चल रहा है और हो सकता है कि उनका टिकट काट दिया जाए। बहरहाल चुनाव यहाँ पर टफ होगा और इस बार भाजपा का कोई भी प्रत्याशी आए, भले राघव लखनपाल दोबारा आए, उनके लिए चुनाव जीतना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इमरान मसूद दोबारा अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और मुस्लिम मतदाताओं में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है और चूंकि इस बार गठबंधन भी होने जा रहा है तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा इमरान को मिल जाए। अगर वो कांग्रेस से नहीं आए तो हो सकता है कि वो सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी या कुछ इस तरह की जुगाड़बाजी उनकी हो जाए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे लग रहा है
कि सहारनपुर लोकसभा चुनाव, लोकसभा सीट का चुनाव इस बार बहुत ही कांटे का होने जा रहा है और राघव लखनपाल को अपना टिकट बचाने के लिए एडी चोटी के जोर लगाने होंगे। हालांकि इमरान के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि मुकेश चौधरी और गजय सिंह जैसे कई नेता टिकट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इमरान का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया था और पार्टी चाहती है कि वेस्ट यूपी में एक मुस्लिम फेस पार्टी का लगातार बना रहे। तो इस स्थिति में मेरा मानना है कि अगर गठबंधन से प्रत्याशी कोई और आए और इमरान कांग्रेस से ही लड़ें तो भी वो भाजपा पर भारी पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है, आप देखते रहिए हर्ष की बात। हमें अपने कमेंट्स भेजिए, अपने समीक्षाएं दीजिए और बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो अपने साथियों से कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। मिलते रहेंगे आपसे, देखते रहिए हर्ष की बात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।